हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम हम पार्लर नहीं जा सकते या पार्लर में जो प्राइजेस होते हैं फेशियल के वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में इजिली फेशियल कर सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि आप किस तरीके से घर में आसानी से एक फेशियल किट ला के फेशियल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिया था लोटस एंटी टैन, क्योंकि समर्स हैं तो एंटी टैन फेशियल किट। वैसे ये मैंने किसी और के लिए यूज़ करने के लिए लिया था, बट मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम घर में फेशियल कैसे करें, ऐसा कोई वीडियो बताइए स्टेप बाय स्टेप। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस इजीली मिल जाते हैं, इसमें इस तरीके के पाउचेस मिल जाते हैं, आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी यूज्ड हैं क्योंकि एक बार ये मेकअप सॉरी ये फेशियल हो चुका है। तो इसमें पांच सैशे मिल जाते हैं इस तरीके से। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि ये आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं फेशियल इससे, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आराम से दो से तीन बार इससे फेशियल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पार्लर में जाते हैं तो एक फेशियल का आपको 500 से 800 रुपए नहीं तो 1200 रुपए देना होता है, बट घर पे आप ये 250 रुपए की किट से दो से तीन बार इजिली मेकअप कर सॉरी इससे पहले मैंने मेकअप वीडियो शूट किया था तो बार बार मेरे मुँह से मेकअप निकल रहा है, तो ये फेशियल आप कर सकते हैं। और ये वाला मेकअप लुक अगर आपको देखना है तो इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ये मेकअप लुक ये वीडियो आप देख सकते हैं वहां पर जाके। अभी अभी मैंने शूट किया है इसीलिए बार बार मेरे मुंह से मेकअप निकल रहा है। तो ये इस तरीके के पांच सेशन हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और सब में इजिली दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको कौन सा यूज करना है, दूसरा तीसरा सब में दिया गया है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको ये नहीं पता है कि भाई पहला कौन सा यूज़ करना है दूसरा कौन सा यूज़ करना है। और बाकी तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगी कि कैसे करना है, स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। बिना फेशियल के जो स्टेप होते हैं वही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने अगर गलत तरीके से फेशियल किया तो आपकी स्किन जो है वो डल हो जाएगी, लटक जाएगी, स्किन में ढीलापन आ जाएगा। सो फेशियल का पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना होता है, या तो आप फेस वॉश करके बैठिए या फिर आप क्लींजिंग मिल्क से क्लीन कर सकते हैं, या आप कच्चा दूध ले सकते हैं उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसमें दिया हुआ है स्टेप वन स्टेप टू, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है स्टेप वन, इससे बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक करना है ताकि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाए और इसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। तो ये एक तरीके का फेस वॉश ही है जो आपकी स्किन को पूरी तरीके से पहले क्लीन कर देता है ताकि आपकी स्किन पे किसी तरीके का डर्ट ना हो। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, तो सेकंड जो है हमारा वो है एंटी टैन स्क्रब। तो अब हम स्क्रबिंग करेंगे। जब भी आप फेशियल करें तो ध्यान रखें कि आप नेक पे भी फेशियल करेंगे।
तो स्क्रबिंग आपको बहुत ही हल्के हाथों से करनी है, और आपके ये जो नोज़ एरिया होते हैं यहाँ पे ब्लैकेट्स वगैरह होते हैं, तो आपने बहुत आसानी से हल्के हल्के हाथों से रब करना है इसको। स्क्रब कम से कम आपको 5 मिनट तक करना है, क्योंकि स्क्रबिंग से ही आपका जो ब्लैकेट्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। फेशियल कभी भी नीचे से ऊपर की साइड को करना है, चाहे आप स्क्रब कर रहे हो या फेशियल क्रीम यूज़ कर रहे हो, हमेशा नीचे से ऊपर। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता है, और धीरे धीरे फिर उनकी स्किन जो है वो लटक जाती है। तो फेशियल में ध्यान देने वाली यही बात होती है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं फेशियल स्टेप वो किस तरीके से कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा पानी हम अपने हाथों पे लगाएंगे या फिर रोज़ वाटर, और इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रब करेंगे। स्क्रब यूज़ करते हो जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे नहीं हो जाते, बिल्कुल उसमें मिक्स नहीं हो जाते, तब तक आपको स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद आपको, आप चाहें तो किसी टॉवल की हेल्प से स्किन को वाइप कर लीजिए, या फिर आप फेस वॉश भी कर सकते हैं अगर आप घर पे कर रहे हैं तो। सो स्क्रबिंग हो चुकी है, अब बारी आती है, स्टीम की। तो स्टीम के मैं 3 मेथड आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इजीली स्टीम ले सकते हो। सेकंड, अगर स्टीमर नहीं है तो आप एक पतीले में पानी गर्म करके और इस टॉवल को, जैसे आप लेते हैं भाप अगर सर्दी वगैरह हो जाती है, तो इस तरीके से आपने स्टीम ले लेना है उसमें। और तीसरा जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको किसी पतीले में पानी गर्म करना है, इतना गर्म जितना आप बर्दाश्त कर सकें। फिर इस तरीके का कोई टॉवल वगैरह ले लीजिए, नैपकिन, और उसको आप पानी में डुबा दीजिए। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना कि आपका फेस जो है आप अपने फेस पे रखो तो उसको बर्दाश्त कर सको। और इस तरीके से आपने पूरे फेस को कवर कर लेना है। एक बार और करेंगे हम इसको।
हो गया। अगर आपके ब्लैकेट्स वगैरह हैं तो आप जो बालों में लगाने वाली चिमटी होती है उससे आप रिमूव कर सकते हैं, इजीली निकल जाता है। और अगर चिमटी नहीं है तो आपके पास अगर कोई पुराना टंग क्लीनर है, या पुराना नहीं कोई भी जो आप यूज़ ना कर रहे हो, उस टंग क्लीनर से अगर आप निकालेंगे तो आसानी से आपके ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स रिमूव हो जाएंगे। तो हमने स्टीम ले लिया, अब बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप जो है वो है मसाज क्रीम, फेशियल मसाज क्रीम। तो अब हम ये क्रीम अप्लाई करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपने फेशियल करना है, फेस पे मसाज करना है, बहुत ही लाइट हाथों से। फेशियल में जो मेन काम होता है वो इसी क्रीम का होता है, तो बहुत अच्छे से आपने फेशियल करना है, बहुत अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा सा आपको रोज वाटर ड्रॉप में पानी लेते रहना है ताकि क्रीम सूखे रहे। तो अब आपने इसको वॉश कर लेना है। तो हमारे चारों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी आती है मास्क की। तो हमारा जो ये फोर्थ स्टेप है ये है मास्क। ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर आप अपने उंगलियों की हेल्प से भी आसानी से लगा सकते हैं।
अब इसे आपको सूखने तक ऐसे ही छोड़ देना है। मास्क, जैसा कि आपने देखा ये सारे पाउचेस पहले से खुले हुए थे, तो अभी भी इसमें एक बार और हम फेशियल कर सकते हैं, मतलब 250 रुपीज में हम 3 बार फेशियल अपने घर पे कर सकते हैं। इसे सूख चुका है तो अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो हमारा जो 5वां स्टेप है वो ये है, यूवी स्क्रीन, यानी कि ये एक तरीके का जेल है, सनस्क्रीन। तो आपने फेशियल के बाद इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। ये हो गया हमारा फेशियल कंप्लीट। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।